हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ गाइस आप सभी ठीक होंगे, अपने पढ़ाई का, अपने फैमिली का और अपने पेरेंट्स का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, आज मैंने क्लास 10 बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस लाया हूँ गाइस। ठीक है, हम लोग बहुत ही जल्दी चलेंगे गाइस, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत कम, इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है मैं उसी को पिक कर रहा हूँ। ठीक है, इससे आप लोग को बहुत फ़ायदा होगा और कम टाइम में आप लोग अच्छे मार्क्स लाने के बहुत नज़दीक रहेंगे गाइस। ठीक है, आई होप, ऐसा उम्मीद करता हूँ मैं। और मैं साथ ही साथ हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस, मैं उसको ज़्यादा रिलेट कर रहा हूँ, साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चन भी लाता रहता हूँ गाइस। ठीक है, तो गाइस अगर आप चैनल पर नए हो तो जाके सब्सक्राइब कर लो अभी से आप। इससे क्या होगा, मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स लाने के करीब रहेंगे गाइस। ठीक है, ठीक है गाइस, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं गाइज। बोर्ड एग्ज़ाम में आपका न्यूट्रिशन से क्वेश्चन रहता है। ठीक है, न्यूट्रिशन से क्वेश्चन कन्फर्म रहता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को कवर करेंगे, इसमें से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आज हम लोग देखेंगे गाइज। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ अ प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, वेयर एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक H2O, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल सॉल्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गाइस। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर करता है अपना फूड खुद। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे आपका H2O हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और मिनरल सॉल्ट हो गया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट सभी आएंगे। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीज ए बोलते हैं। ठीक है, और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी इसमें आते हैं, जैसे आपका साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, तो ये सभी अपना खाना खुद तैयार करते हैं। ठीक है, इसके लिए किसी पर डिपेंड नहीं रहता गाइस, इसको बोलते हैं हम लोग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है गाइस हम लोग का फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है गाइस, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आता है? फोटोसिंथेसिस इज अ केमिकल प्रोसेस, एक केमिकल प्रोसेस होता है इन विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इंटू फूड यूजिंग एनर्जी, इसे ग्लूकोज बोलेंगे गाइस। ठीक है, ग्लूकोज में बनाता है 6H12O6। ठीक है, फ्रॉम सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस एक केमिकल प्रोसेस है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? केमिकल प्रोसेस है। इसमें से ग्रीन प्लांट क्या करता है? कन्वर्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फूड यूजिंग एनर्जी में। ठीक है, जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है गाइस, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, विच इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आपको ये डिफाइन करना है और ये इक्वेशन जरूर पुट करना है। ठीक है, जैसे आपके देखो 6 मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का और 6 मॉलिक्यूल है H2O का। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में और सनलाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये 6CO2 और 6H2O को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, यही इसका खाना है गाइस। ठीक है, प्लांट के लिए यही एक फूड है, एनर्जी यही इसको प्रदान करता है। ठीक है, ये आपको एनर्जी देने वाला चीज़ है प्लांट को। ठीक है, और ये O2 रिलीज करता है जिसको हम लोग एनवायरमेंट में एब्जॉर्ब करते गए। ठीक है, हम लोग इसको लेते हैं। ठीक है, इस अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है बोर्ड में। ठीक है, मेंशन थ्री विच आर, अब देखते हैं गाइस फोटोसिंथेसिस के जो कॉन्सेप्ट है उससे कैसे क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। ठीक है, क्वेश्चन है मेंशन थ्री इवेंट। ठीक है, ये लो यहाँ आएगा गाइस, मेंशन थ्री इवेंट विच आर अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, मेंशन थ्री इवेंट विच आर अकर्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो उसमें उसके तीन इवेंट को आपको बताना। ठीक है, क्या होता है? तो देखो पहला गाइस क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो सबसे पहला इवेंट होता है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है बाय
क्लोरोफिल, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये पहला इवेंट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इंटू हाइड्रोजन एंड O2। सेकेंड इवेंट क्या होगा, इस सेकेंड इवेंट होगा कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी, जो सनलाइट, जो सन से एनर्जी आ रहा है लाइट एनर्जी, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देगा केमिकल एनर्जी में और स्प्लिट कर देगा, तोड़ देगा वाटर मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोजन एंड O2 में, ठीक है। ये सेकेंड इवेंट हुआ। लास्ट थर्ड इवेंट कैसे होता है गाइज, थर्ड इवेंट होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जो ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि जो CO2 को ये रिड्यूस करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देगा गाइज, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, व्हाट आर स्टोमेटा, ठीक है। मेंशन थ्री फंक्शन ऑफ इट्स। तो स्टोमेटा और सेल स्ट्रक्चर, स्टोमेटा क्या है, सेल स्ट्रक्चर है विच इज़ वेरी स्मॉल होल्स इन द सर्फेस ऑफ अ लीफ और द स्टेम ऑफ अ प्लांट दैट अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेज टू पास इन एंड आउट। तो स्टोमेटा क्या है, सेल स्ट्रक्चर है जो कि पत्ती के सर्फेस में छोटे छोटे होल्स होते हैं, ठीक है, लीफ में या स्टेम में, ठीक है, जो आपको एक्सचेंज कराता है गैसेस का, बेसिकली CO2 और O2 का गैस, ठीक है, इन और आउट होता है इस पत्ती में, जिससे वो बहुत सारा फंक्शन करता है। तो इसमें हम लोग को तीन फंक्शंस डिमांड किया है, ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार से। तो फंक्शन वन हम लोग का, द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इज टू ओपन एंड क्लोज द पोर्स इन द लिप्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या है, ये स्टोमेटा का ओपन होना, क्लोज होना, इससे क्या होता है, लिप्स में गैस का एक्सचेंज हो सके, ठीक है, आना जाना हो सके, ठीक है, CO2 का और O2 का गैस, ठीक है। सेकेंड फंक्शन इसका है, इट अलाउ द प्लांट टू टेक इन CO2 एंड गिव आउट O2 फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने के लिए प्लांट को CO2 चाहिए, ठीक है, तो उसका इनटेक होगा और फिर बाहर निकालना है उसको O2 को, तो इसके लिए भी जरूरी पड़ेगा, यानी क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों काम कौन करता है, स्टोमेटा करता है, रेगुलेट करता है गाइस, ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या हुआ, बेस्ट ऑन द वेदर कंडीशन, ठीक है, इट क्लोजेस और ओपन इट्स पोर टू कीप द मॉइस्चर मेंटेन। जैसे मान ली गर्मी का मौसम हो गया, तो गर्मी के मौसम क्या होगा, बहुत ज़्यादा वाटर इसको चाहिए, ठीक है, फिर ठंडा के मौसम में कम चाहिए, तो उसको मेंटेन रखता है मॉइस्चर को, ठीक है, ये स्टोमेटा, ठीक है, आपको डायग्राम में दिखा रहा है, ये गार्ड सेल हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ से ये होगा गार्ड सेल, ठीक है, ये रेगुलेट करता है ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है, और ये आपका होगा स्टोमेटा पोर, इसमें O2 और CO2 का एक्सचेंज आना जाना होता है गैस, ठीक है। और ये दिख रहा है हरा हरा जो डॉट स्पॉट दिखाया है हम लोग, ये जो स्पॉट दिख रहा है उसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हम लोग का, राइट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है गाइस, ठीक है, राइट द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो गाइस इसका आंसर है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज होलोजोविक, ठीक है। तो जो न्यूट्रिशन होता है अमीबा में वो होलोजोविक होता है, हम लोग में भी क्या होता है, होलोजोविक होता है, हम लोग कल देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे, ठीक है। द वेरियस स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन आर इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन और इजेशन होता है, ठीक है। तो अमीबा में चार प्रकार के प्रोसेस होते हैं, इंजेशन पहले फूड को इंजेक्ट करता है, यानी कि पहले पकड़ता है, ठीक है, इनटेक करता है, उसके बाद उसका डाइजेशन होगा गाइस, उसके बाद उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा, उसको बोलते हैं हम लोग एसिमिलेशन, उसके बाद जो खाना अनडाइजेस्टेड है उसको बाहर निकालेगा, उसको बोलते हैं इजेशन, ठीक है। ये आपको डायग्राम दिखाया गया है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है, ये फूड पार्टिकल्स जो कि आ रहा है अमीबा तरफ, ठीक है ना। सेकेंड में क्या करेगा, इसको घेर लेगा, कवर कर लेगा किससे, एक स्ट्रक्चर होता है गाइस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उसको बोलते हैं सीरोपोडिया, ठीक है, उससे ये कैप्चर कर लेगा फूड को। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस फूड को फूड वैक्यूल के अंदर ले जाता है, ठीक है, जहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं इस फूड वैक्यूल में, जो कि फूड को तोड़ता है गाइस, ठीक है, ब्रेक डाउन कर देता है। उसके बाद यहाँ पर यहीं पर क्या होता है, फूड का एसिमिलेशन हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है गाइस, ठीक है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद इस फूड को बाहर ऐसी बॉडी सरफेस से बाहर निकालता है, इसको बोलते हैं इजेशन, ठीक है। यही चार प्रोसेस यहाँ पर होता है अमीबा में गाइस, ठीक है। इसी को हम लिख दिए हैं, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज़ कॉल्ड
स्यूडोपोडिया, देन फूड पार्टिकल्स इंटर इंटू द फूड वैक्यूल्स. इन साइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रेक डाउन इंटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इंटू द साइटोप्लाज्म. द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव्ड टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट. ठीक है, तो ये प्रोसेस होता है हम लोग का अमीबा में न्यूट्रिशन गाइज. ठीक है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. इसमें आपको स्टेप लिखना ये वाला और डायग्राम को जरूर दिखाना. ठीक है, आपको पूरा फुल मार्क्स मिलने के चांस हैं. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज. डिफाइन द टर्म पैरासाइट. नेम वन प्लांट पैरासाइट एंड वन एनिमल पैरासाइट. सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट. गिव टू एग्जाम्पल. ठीक है, पैरासाइट क्या होता है देखो. पैरासाइट आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हार्म देम. तो पैरासाइट क्या होता है, ऑर्गेनिज्म वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि ऑब्टेन करता है न्यूट्रिएंट फ्रॉम द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो होस्ट से. ठीक है, होस्ट बॉडी से फूड को इनटेक कर लेता है. ठीक है, न्यूट्रिएंट को इनटेक कर लेता है और उसको नुकसान पहुंचाता है गाइस. ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग पैरासाइट. जैसे प्लांट पैरासाइट पूछा आपसे तो वो कस्कूटा. ठीक है, आपने सुना होगा अमरबेल. ठीक है, और एनिमल पैरासाइट में आता है गाइस स्टेप वॉर्म. ठीक है, फ्लैट वॉर्म बहुत सारा आता है. इसके एक पूछा था आपसे बता दें तो टैप वॉर्म हो जाएगा, आप फ्लैट वॉर्म लिख सकते हो. ठीक है, लीच भी लिख सकते हो. ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट आर सैप्रोफाइट. तो आपसे पूछा था ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन फूड, वो अपने बॉडी के आउटसाइड क्या करता है, फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद ही एब्जॉर्ब करता है, तो उसको बोलेंगे सैप्रोफाइट. सड़ा गला चीज़ ना, तो सड़ा गला चीज़ कौन खाएगा, फंजाई और बैक्टीरिया. ठीक है, ये इसका दो एग्जाम्पल हुआ, और भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो गाइज. ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पर वीडियो को ख़त्म करते गाइज. नेक्स्ट मतलब फिर से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मिलते हैं. तब तक के लिए धन्यवाद.